सीजन है, दानिश भी नहाना चाहता है साबुन करने वाले हैं, इसीलिए भूल हो सकते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोजाना सीरियल ब्लॉग, जो रियल होता है मैं आपको वही दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज एक अनदर डाइव वीडियो लेके आई हूँ मैं आप सभी के साथ, बिकॉज आहिल को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, स्किन प्रॉब्लम और गर्मी और विंटर के बीच में मुझे भी बहुत ज्यादा इचिंग का प्रॉब्लम आ रहा था लेग्स पे। सो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ मैं अपने आहिल के लिए और आप सभी के लिए भी, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है और आप घर पे भी ये सब बना सकते हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमें सोप बनाने के लिए आपको बेसिकली पता होगा, सबसे पहले हमें चाहिए सोप बेस, जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है इस पे, तो ये आज ही आया है। मैंने इसे ऊपर कवर खोला बट ये नहीं खोला है, तो चलिए देखते हैं इसे कट करके क्या आया है। तो सबसे पहले मैंने सोप बेस मंगवाया है जो कि खदी का है, बहुत ही अच्छा होता है खदी का। सो ये है फ्रेंड्स, खदी का ग्लिसरीन सोप बेस, 100% प्योर है। तो ये ज़्यादा नहीं, ये 500 ग्राम का है और ये फॉर ऑल स्किन टाइप का है, देख सकते हैं आप यहाँ। तो ये है हमारा सोप बेस जिससे हम बनाएंगे आज एक बहुत ही कमाल की सोप। और इससे बनाने के लिए ये रहा मेरा एक इंग्रेडिएंट और बाकी रहा है ये मेरा एलोवेरा जो होम ग्रोन है, जो हमने घर पे लगाए है वो एलोवेरा है। मैंने इसे अभी काट लिया है, मैंने आपको काटने का प्रोसीजर भी दिखा दिया है मैंने कैसे काटा है। एक मिर्ची का पत्ता कटता है जिसपे भरपूर रस होता है। सो फ्रेंड्स, इस पे मैं ऐड करूँगी नीम, जो ओरिजिनल नीम होता है ना, बिकॉज मैं नीम इसीलिए ऐड करूँगी कि मैंने आज आहिल के ना गर्दन पे दे, कह रहा है मम्मी मुझे यहाँ गर्दन पे कुछ खुजली इचिंग टाइप हो रहा है और मेरे भी पैरों पे ना हल्का 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 गुटी गुटी हो रहा है, जो इचिंग करने के बाद पूरा रेडनेस हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो आज हम इसमें डालेंगे नीम, बिकॉज नीम होता है एंटी बैक्टेरियल, जो एंटी बैक्टेरिया जो होता है ना इचिंग का, तो वो बैक्टेरिया को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। तो आज जो है ना सोप पे हम कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिक सोप होगा 100% प्योर नीम एंड एलोवेरा के। और हमने नीम मंगवाए हैं, मैंने पापा जी को बोला था एक किन एक नीम की डालिया लेके आए, बट पापा जी ने लेके आया तीन तीन नीम की डालिया, देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इससे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे एलोवेरा नीम सोप, आइए आज आपको हम बताते हैं। तो इसे सबसे पहले हम धो लेंगे अच्छे से और उसके बाद इसके प्रोसीजर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम अच्छे से धो लेंगे नीम और एलोवेरा को, जिससे आज हम बनाने जा रहे हैं सोप, बहुत ही अमेजिंग होने वाला, आप देखते रहिए कि प्रोसेस कैसा है। तो सबसे पहले इसे अच्छे से धो लेना है हमें, बिकॉज इसके नीचे का जो वो होता है ना, ये कॉश कहते हैं, हम इसको निकाल लेंगे अच्छे से और नीम के पत्ते में कुछ गंदे ना रह जाए, कोई कीड़ा ना रह जाए, बिकॉज इसे हम स्किन में यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए अच्छे से धो लेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एलोवेरा एंड ये धुल के रेडी है, अब मैं एलोवेरा के जेल निकाल लूँगी। सो हमें ऐसे क्यूब्स करके काट लेना है और आज का वीडियो में मेरे साथ आहिल बना रहा है। तो अब हम इसे, जो मेरा एलोवेरा निकल गया है, इसे हम ग्राइंड में डाल लेंगे जब तक ये फोमी ना हो जाए, और इसे भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसे हम सब टुकड़े इचिंग के लिए आहिल का सोप बना रहे हैं, तो चलो सोप क्यूब्स को इधर डाल दो, क्यूब्स को हमें ऐसे काटना है सोप बेस का। चलो यहाँ उठा लो फटाफट, क्या यहाँ डालो, हाँ चलो राहत भी डालो। आज सब बच्चों मिल के साबुन बनाएंगे एलोवेरा और नीम पत्तियों का। और ये राहत हाई बोल दो, इधर देखो ये है नेफ्यू, चलो आहिल और राहत दोनों उठा लो। सो यहाँ हमारा इंग्रेडिएंट सारा रेडी है, ये देखिए सोप क्यूब्स है और यह एलोवेरा और नीम पत्ता, इसमें हम ग्राइंडर में ये डाल देंगे पेस्ट, जब तक ये फोमी ना हो जाए इसे हमें ग्राइंड करना है, होगा। तो यहाँ पे डालेंगे नीम के पत्ते दोनों ग्राइंडर पे, दोनों दो कर दे। तो यहाँ पे हम फटाफट इसे ग्राइंड कर लेते हैं, हाँ तो इसे पहले कर लेंगे। और यहाँ नीम की पत्तियाँ, तो यहाँ हमारा नीम का पेस्ट रेडी है, इसे हम छान के इसका रस निकालेंगे।
उसके बाद यहाँ एलोवेरा का पेस्ट रेडी है। तो अभी हम यहाँ पानी डाल दिए है गर्म होने के लिए, बिकॉज डबल का जो कंसिस्टेंसी है कितना ठीक है, इसे अभी हम छानेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं छाननी की मदद से, अब हम इसे छान लेंगे। एलोवेरा का पेस्ट को हमें नहीं छानना पड़ेगा, हाँ आयन पकड़ा है तो इसे हम छान लेंगे। बहुत ही गाढ़ा कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, और नीम के जो है बहुत सारे फायदे हैं, इससे आपका बदन का खुजली इरिटेशन सब कुछ चला जाएगा। तो ये देखिए सब इस छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे। सो यहाँ हमारा नीम का रस निकल चुका है, पानी और पूरा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे। डबल पे डालो क्यूब, सारे क्यूब डालो। सो फ्रेंड्स इसे डायरेक्ट हीट में नहीं देना है, डबल प्रोसेसर के थ्रू पे इसे हीट देना है। तो इसे हम डाल दिया है कुछ ऐसे। तो फ्रेंड्स उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था तो मैंने इसलिए इसमें डाल दिया, इसमें मेरा ये पतीला आराम से आ जाएगा। तो इसे हम धीरे धीरे अभी चलाते जाएंगे। ये देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो ये देखिए ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, तो इसे अभी हमको चलाते रहना है। डबल बॉइलिंग प्रोसीजर है, इसे डायरेक्ट हीट नहीं करना है। ये देख सकते हैं ग्लेसरीन पूरा पिघल चुका है, 100% ओरिजिनल खादी का है। गा दुआ मेटू साबुन दी सब परिस आयन राहत आहिल घामी थके हेकारने यार एंटीबैक्टेरियल साबुन बेसिक लगे निम साबुन। सो फ्रेंड्स आई थक मैं कैनक बना दे मोर अक भूल जी माफ कर दी। ए आम बर्मा है गाँव पर आसे गोवालपारापर मैं बर्मार ऊपर तो एन भिडिओ बनम सोकाले चाह पड़ सो फ्रेंड्स चाय थक मोर सबुन केनेकैसे एटी हाँ से मैं के पता ना चाय थक दे। सो चाब पारिसे ग्लेसरीन अलमोस्ट मेल्ट हो गई से सब बेस्ट इतना आम एड कर दीम एलोवेरा और निमर रस। आज हिंदी भी बोलना है, ठीक है हिंदी भी बोल लेंगे। निमर रस और एलोवेरा रस आम मिक्स कर दीम इतना चाह पार अलमोस्ट हो गई यार इतना दीम आम एनिमर रस को दी भल्क मिक्स कर लम इतना आर्टिफिशियल कलर यूज करना दें चाह पारिसे और इतना यूज कर दीम एलोवेरा जूस। एलोवेरा जो है ये बदन स्किन को स्मूथ करता है बहुत ही अच्छे से, और सनबर्न इरिटेशन ये सारे चीज़ को सूट करता है, इसीलिए हमने एलोवेरा भी यूज़ किया है। बिकॉज ये मेडिमिक्स साबुन ही कह सकते हैं आप जो कि आप दुकान से परचेस करते हैं। तो इसे अभी हम थोड़ी देर बाद उसको ऐसे बनकर तैयार है हमारा सोप बनने के लिए। तो अब हम इसे कोकोनट ऑयल से पहले ऑलिंग कर लेंगे ताकि साबुन अंदर ना चिपके। तो बच्चों इसे अच्छे से मुँह पर मिलाओ, एकदम मिलाओ अच्छे से, वो खराब करो अच्छे से रब करो और इसे अच्छे से मिला लेना ताकि सोप इसमें ना चिपका हुआ रहे। तो ये देख सकते हैं आप ऑलिंग हो गया है, तीनों बच्चों का भी हो गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा ये जो बनके तैयार है पेस्ट। तो अब हम ये इस दाल के स्पून से मिला के हम डाल देते हैं। अब डालते हैं स्क्वायर पे, अब डाल देते हैं हार्ट शेप पे, अब डालते हैं ओवल पे। तो ये हमारा जो है ना ये हम दही खाने वाला इस पर हम खाते थे दही, तो ये आज काम आ गया हमारे सोप मेकिंग में। कोई बात नहीं, और भी है क्या, चलो लेके आओ बहुत सारे बच्चे हैं काम है ना, इसे अच्छे से फिल कर देंगे। तो देख सकते हैं हम डाल दिया है अच्छे से। सो फ्रेंड्स हमने सॉप को डाल दिया है सॉप सेपर में, तो इसे हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ओवरनाइट। तो इसका यूजेस जो है हम कल दिखाएंगे, और इसे हम कल कैसे निकालते हैं वो भी दिखाते हैं फ्रेंड्स। इसे हम साबुन में निकालते हैं, ये साबुन। सो फ्रेंड्स मैंने जो घर के कंटेनर में ये रखा था सॉप, ये तो पूरा ग्रीन आया है, और पता नहीं ये सॉप शेपर मैंने रखा था जो ये ब्लैक हो गया, पता नहीं क्यों, इसका क्या रीजन है। दानिश भी नहाना चाहता है साबुन से, देखिए बार बार चुना आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये डाई वीडियो आज का कैसा लगा जरूर बताना। इसे फ्रिज में रख के हम और थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, बिकॉज इससे हमने छोड़ दिया था ओवरनाइट के लिए। ये देखिए ये बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका साबुन है। आहिल को सारा इससे अभी हम देखेंगे इसका झाग आता है कि नहीं, आहिल को हाथ पे दिला देंगे इससे, तो देखते हैं इसका झाग आता है कि नहीं। इसे मैंने फ्रीजर पे नहीं रखा था, फ्रीजर पे रखने से अच्छा रखा था। देख सकते हैं फ्रेंड्स अक्सर जो है ना नींबू एलोवेरा साबुन के इतना ही झाग आता है, इससे अब हम धुलाएंगे आहिल के हाथ पे। तो फ्रेंड्स वीडियो डाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और कंटिन्यूसफुल लगा हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाना फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, मैं सॉप से मुंह धुलाएगा, चलो आहिल मुंह धुला ले। अरे वो स्लीप है ना, झाग बहुत सारा है। अरे